जज सब मे मूत टेलेंट मे लूक सदा पत् सड़को पे ना थोमुत पत्क गर्दी मा आठ फुट झूठ सद ना ते पता ये जंगलस मा हून गागल बोसान चुका सूचना गा बेजार शाल वागान खास गुत रहमान इलाज पता ये कलम कम सू ناو بہ کتہ صاحب ناو یاد بہ بس بوس بہ چھ چلت اہن حظ بوس چلت تم یت یو کٹ وضو کرت ژ ون تہ مے اکت اگر چھ بہ بولوتس یتت ون تہ گئی مے ڈوڑ گھنٹہ یتت بہت رپے ترے لاشت گلس چھ مے نش یت پانی شوبس مے بہ ان خطر چلے چھ نہ کان نفری لوین مس شوکت صاحب تہ چھ پے آز چھ خاص دو آز چھ تمام اس ٹیلنٹڈ نفر بلوی مت تم اس بچے سری لین نبر کن بالکل مس گل کاکس گو داند یل سو آو اتھ لین مس سید سو ژلیم سری اک نفر چھ تم مس نون نفر جورہ Yeah, jibi raj mera aji da sir paya taj mera da vana lu hundani laj mera. Matlab laj mera? Rapper is Kashmir uk rapper. So kya karne aavok yor? Youth chi mein talent tu thai mein yeti kursi per tu hi biyu kandas pe buro judge. Lai. Ah, la, bo sa. Tal sahib, chikar kong? Tal sa rapper a gya, bu chi kya chuk gya wa? Tal sa nazare, sakar jai sab. Jibi raj mera aji da sir paya taj mera da vana lu hundani laj mera. Yeah, yeah, yeah. ते चाहे पता ये जंगलस मा हून गागल बोसान चुका सूचना गा बेजार शाल वागान खास गुत रहमान इलाज बेशरम इंसाना क्या चु गवान नी हो तो नी लोट जय मे बसा बेट बोजो हो सक चांस मे बस चांस बॉलीवुड तक चला क्या कूथा है शू मुझे इश्क है तुझी से बिल्कुल मेरी जान जिंदगानी तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी भवन ऐसा कह रहा था क्या पास आगे वो मैं बस नहीं बेहतर हो हमें चला मैं शक तो शो होट दोनों ही एक वाट तुम्हारे क्यों मत आज ब्रो दावे नहीं चारों तुम्हारे लेजर मैं क्या मुझे यूज़ दो यूज़ करा तेरी तू क्या जा चार बस सात किलो लगी थी हेटेस मेरी जान जिंदगानी तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी ये छे बला बराबर छे 2 3 सेकंड नु ताला पुचा मकलो 3 मिनट वो करियो 3 सेकंड वो करियो सिलेक्ट बे क्या करा सिलेक्ट ए नेरा दादा कासा पे ए कासा चोर मो जोर है बेस बसान बदली नफर आनुन एम हो पनुन सुर अरे खतरा है जने इमो सुर खतरा ना गलती गई गोड बचो इस बे नफर जोर है जज साहब आनुन बस बेवक नफर आनुन सा अगर छुई का कंटेस्ट नंबर 2 जॉन मोहम्मद साहब हाजिर हो अस्सलाम वालेकुम जज साहब वालेकुम सलाम जज साहब मे मे यूत टेलेंट मे लूक सदा पत् सड़को पे ना ना मसा थोमुत पत् गर्दी मा आठ फुट झूठ सद ना जज साहब ओकुन मा गसिव मन चुस बहुत पीरली कुन ते गसा सही गसा चोस मोल ते पीर क्या से क्या करने आओ योर माता मे पीर आगे घर बो चुस गेवान ज्यादा पहन बिहारी बिहारी आ क्या बिहारी ये लागस बु आ मेरे पास आ बिहारी छ मैं बोझ मत जा बोझ जय सब बुझ बिहारी सैया के मुर्गा देखी को बइया जोली में बाटे स्माइल की मुर्गा विदेशी बन के मोबाइल लागत मुर्गा मोबाइल मुर्गा का टोल सुनी मजा माऊ जाली मुर्गे की बोली कुकू कुकू कॉकर बोलने बॉयलर गाली क्या ये क्या मतलब ये लैंग्वेज क्या जय वन क्या रुत कर बहुत माना आर्टिस्ट मे गल बर्दाश्त
آ بلاے لگے کی سا کر مے کر سلیکٹ ژے کر اک سلیکٹ آ یہ گئی دانتس لاگے کٹ کال ہر مے پاگل گمت ژے کر سا کر رفیق صاحب بس اچھس مان نہ یوان یا سا چھ مان نہ یوان بس اچھس یا سا چھ رفیق جس نمبر ون جائے سب چھ شوکت صاحب یہ ہن جی جواب ترا 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 ہندی کیا کیا ہندی اس ہاں آ بالکل کیا ہندی مگر پنجابی اس مس मुसीबत मर्दा च पेंदी रेंदी है तभी ना तू दुनिया स्वाद लेंदी है और नाले जड़े रास्ते ते तू तुरिया इथे बदनामी हाई रेट मिलूंगी कर देना छे मारदार पे या दंद वश बंदा फुटरा भाई ये तू लोर सोती जाओ काला जाओ छे या डेरस मासस मान ता क्या चोको दूर मोतो कांजा समास या दफा कैसे दे बस वाले افو افو میں بس ہم گستو یا نہ کر دے ہر سے مار جناب اے کیسا بنا شہر میں سے مساجد سے پیندی ہا تے چا پیتی کھوارس باجا شوکت صاحب اسانوں میں بس اخری کنٹسٹنٹ ایم پت ایم پت مانگا اے چا چا دس جمع تھا لگ چھ دے دیواس مت بے اخ نفر بے اخ نفر انن چاہیے کن کنٹسٹ نمبر 3 اسلم بھائی ہا اسلم بھائی آواز پلن جلو السلام علیکم وعلیکم السلام جے سب ٹھیک چھو ٹھیک پر چھو اصل ٹھیک اصل پر چھو सावन बादो फिर भी मेरा मन प्यासा फिर भी मेरा मन प्यासा ये गढ़ गई जा रहा कला इंसान मूडी कोरत खराब जय सब चुवनस कित कई रे किशोर कुमार ना मन छो गलती गई मस्ती फिर भी मेरा मन प्यासा फिर भी मेरा मन प्यासा बुसा अरे सेस गो था सा छु के वागा ना छु का गोपने न बात छ लाई असनस बराबर तला बदर क्या क्या कोशिश मस ये का छु तला थोद ये सेस लागो जो एम सीरियस थोड़ा एनर्जी वन ए जे ई एनर्जी सरो रो सिचा में एनर्जी चलो 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 मैंने पूछो शुभन गुलाब चून रख पोश शुभन गुलाब गुलशनस मंज हे गुलशनस मंज सुइन तिखाब चुना चून रख पो जी बस गोसे पता ये कलाम केम सु नाम रे बुकेते सब नाम याद बिच बस बुझ बुचिया छले आनस बुझो छले ता मैं यू कर वजू करे ने ने दबा बता बराबर बुगोस पास है फिक्स मैं पीएस दीजो ऑलराइट सो यस थैंक यू सो मच एक फन कॉन्वर्सेशन सारे लोग आ जाओ यार यार सारे लोग आ जाओ एक बार जोरदार तालियां बजाओ सबके लिए कम ऑन मैन वाह कश्मीरी कल खराब की ये टीम है यम छिप पज पट कश्मीरी कल खराब क्या आर्टिस्ट हैं यार मक्खन ऐसे डायलॉग्स इनके जुबान निकलते हैं शो पे बहुत मजा आया रेडियो पर भी दोस्तों को बहुत मजा आया और वीडियो भी हमने सोचा कि हम लोग मिस करेंगे ये ऑडियो फॉर्मेट मन खतर खाना बनाओ इस लॉकर मकर वीडियो या और वैसे शुरू करेंगे कि तो मजबो के हस वनिवस के अपन दोस्तों मैं तो बस एक ही बात बताऊंगा कि बहुत ज्यादा मजा आया और एक कोट है मेरे दिल में कि बहुत चल रही है फिल्में बहुत चल रही है फिल्में कल खराब बस रहा है हर किसी के दिल में क्या बात है वाह जी वाह जान भाई
मैं तो सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जब भी मैं आपका फेस देखता हूँ, एक स्माइलिंग फेस होता है, तो मुझे खुद ही शौक होता है कि मैं हंसूं आपका फेस देख के। और रफीक साहब ने आज हमें इनवाइट किया है, तो जो किसी के किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। तो मैं बहुत ही खुश हुआ यहाँ 93.5 रेड एफएम पे आने के लिए। मैं बहुत ही मतलब बेसब्री से इंतजार कर रहा था, तो आज फाइनली मैं आ गया। रफीक साहब, मैं आपका थैंक यू अदा करना चाहता हूँ। शुक्रिया भाई, थैंक यू। एंड असलम भाई, बिल्कुल जैसा कि आपने सुना कि हम 93.3 रेड एफएम में आए इधर आरजे रफीक भाई के पास, तो इधर कुछ अलग ही सा माहौल हमने देखा। बहुत मतलब डिफरेंट टाइप के लोग मिले, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पे, तो हमने भी अच्छा फील किया यहाँ पे रफीक साहब के साथ। शौकत भाई, तो आज मेरी एक्सपीरियंस यही बोलती है, क्योंकि जब मैं आया इस स्टूडियो में बहुत अच्छा लगा, क्योंकि रफीक भाई का चेहरा देख के मुझे भी अच्छा, जब इंसान आगे अच्छा होता है तो मज़ा आता है, क्योंकि इस शो ने मेरा दिल जीत लिया है। हालांकि मैं ज़्यादा शोज पे नहीं चलता हूँ, कभी कभी राजा आदम के शो पे गया, आज इसके शो पे आया, इससे पहले कहीं गया। जब भी मैं किसी जगह जाता हूँ ना, तो चेहरे को देख के मैं ज्यादातर कॉमेडी बोलता हूँ। इसका चेहरा मुझे अच्छा लगा, तो इसलिए कॉमेडी बोला। और शो के लिए इंशाल्लाह आगे इंशाल्लाह ये चलता रहेगा, क्योंकि हर जगह एक्सपीरियंस मिलती है। कोई यूट्यूब पे आता है, एक्सपीरियंस मिलती है। आज इस शो ने ये दिखाया दिया, जब तक ये काम करेगा ना ये बंदा, तो लोगों को खुशी रखेगा। और एक बात, मैं सारे जितने भी यहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स कंटेंट क्रिएटर्स से बस आपस में यूनिटी बनाओ, जैसे कि बाहर के स्टेट्स में यूनिटी होती है, तो अप्रोक्सीमेटली मैंने कश्मीर में क्या देखा, यहाँ पे यूनिटी नहीं होती है आपस में एक दूसरे से जलते हैं। ये मेरी एक्सपीरियंस है। मैं सभी क्रिएटर्स और सभी कॉन्टेंट क्रिएटर्स से गुजारिश करता हूँ कि अगर आप एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर सकते, एटलीस्ट उसको क्रिटिसाइज भी मत किया करो। बाकी आपकी सोच में लगता है कि ये कॉन्टेंट क्रिएटर्स है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर कोई अपनी जगह डिसेंट होता है, हर कोई अपनी जगह अच्छा होता है। बाकी अगर आप किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते, एटलीस्ट क्रिटिसाइज भी मत किया करो। बाकी लव यू, बिल्कुल। एंड कश्मीरी कल्चर आपकी टीम यहाँ पर आई, ये बात जो यावर भाई ने कही, बिल्कुल आप इस बात को दिमाग में रखें कि ये कहीं से उठ के ऐसे नहीं आए हैं, ये सब पोस्ट ग्रेजुएट हैं, पढ़े लिखे हैं, और अब इस काम में इनको मन लग गया, बहुत सारा प्यार मिल रहा है, तो इसलिए कंटिन्यू कर रहे हैं। यही रिक्वेस्ट आपसे है कि इस चैनल को और ढेर सारा प्यार देते रहे। रफीक साहब, लास्ट में एक बात, 93.5 बजाते रहो।